ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बारी है 10 मिनट 50 खबरों की। शुरू करते हैं। कश्मीर में एसआईए की छापेमारी, उत्तर और मध्य कश्मीर में कई जगहों पर छापेमारी, टेरर फंडिंग मामले में छापेमारी, श्रीनगर में भी छापेमारी। जम्मू कश्मीर में बदला मौसम का मिजाज, कहीं बर्फबारी तो कहीं बारिश, सोनमर्ग में बीती रात से हो रही है बर्फबारी, जम्मू के पुंछ में भारी बारिश। श्रीनगर के बाग मेहताब इलाके में देह व्यापार के रैकेट का पर्दाफाश, किराए के मकान में चल रहा था जिस्म फरोशी का धंधा, दो लोग गिरफ्तार। आज महावीर जयंती, एलजी मनोज सिन्हा ने दी बधाई, एलजी का संदेश, भगवान महावीर सत्य, त्याग और अहिंसा के प्रतीक। श्रीनगर के लाल चौक स्थित ऐतिहासिक घंटाघर का किया जा रहा है सुंदरीकरण, स्मार्ट सिटी के तहत घंटाघर को और सुंदर व आकर्षक बनाने का चल रहा है काम, स्थानीय लोगों और व्यापारियों ने किया स्वागत। त्राल के सीमावर्ती इलाके गुड़पुरा गुजर बस्ती में पहली बार पहुंचाई गई बिजली, लोगों ने क्षेत्र में बिजली उपलब्ध कराने के लिए एलजी, बिजली विभाग और त्राल प्रशासन का जताया आभार। जम्मू कश्मीर में कोविड 19 के मामले बढ़ने के बावजूद लोग गंभीर नहीं, अस्पतालों और अन्य जगहों पर कोविड गाइडलाइंस का नहीं किया जा रहा है पालन, अधिकांश अस्पताल नहीं उठा रहे हैं एहतियाती कदम। ट्यूलिप गार्डन का भ्रमण कर रहे हैं विदेशी पर्यटक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्यूलिप की खूबसूरती पर किया ट्वीट, ट्यूलिप गार्डन की खूबसूरती का पर्यटक आ रहे हैं लुत्फ। गढ़ाकोट सोनावारी की पंचायत संस्था ने प्रशासन द्वारा अनदेखी किए जाने पर नाराजगी जताई है, पंचायत घर के बाहर जमा पंचायत निकाय ने शिकायत की है कि प्रशासन उनके निर्वाचन क्षेत्र की अनदेखी कर रहा है। आरएसपुरा की बासपुर पंचायत के सरपंच सुखदेव सिंह काला ने सोमवार को पंचायत भवन में बने शौचालय का लोकार्पण किया, इस मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण सहित अन्य पंचायत प्रतिनिधि मौजूद रहे। मुलू शोपिया में मौजूद पुल जर्जर हो गया है, पुल टूटने वाला है, इस पुल से दर्जनों स्कूली वाहन, निजी और यात्री वाहन निकलते हैं, लोग जान जोखिम में डालकर इस पुल को पार करने को मजबूर हैं, स्थानीय लोगों ने शोपिया जिला प्रशासन पर नाराजगी जताई है। कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी और क्रांतिकारी उपायों को नियंत्रित करने के लिए कुलगाम जिले के कई युवा लड़के और लड़कियों स्वरोजगार पर जोर दे रहे हैं। बोगबुंद कुलगाम में भेड़ चोरी की घटना हुई, चोरों ने लाखों रुपए की भेड़ चुरा ली, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, पीड़ित परिवार ने तत्काल कार्रवाई की मांग की है। राजौरी में यातायात विभाग ने यातायात उल्लंघन करने वालों के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की है, इस दौरान कई स्कूल बसों को भी रोक कर जांच की गई। कुपवाड़ा जिले में पहली बार पूर्व सैनिकों ने अपनी जायज मांगों को लेकर डीसी कार्यालय कुपवाड़ा में धरना दिया, वो लोग केंद्र सरकार से मांग कर रहे थे कि उनकी जायज मांगों को तुरंत इनका समाधान निकाला जाए। जम्मू कश्मीर में कोविड के मामले बढ़ने के बावजूद अस्पतालों और अन्य जगहों पर कोविड गाइडलाइंस का पालन नहीं हो रहा है, न तो फेस मास्क का इस्तेमाल हो रहा है और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। श्रीनगर के लाल चौक स्थित ऐतिहासिक घंटाघर का सुंदरीकरण किया जा रहा है, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत घंटाघर को और सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए काम शुरू कर दिया गया है। जम्मू विश्वविद्यालय में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और जम्मू की क्लस्टर विश्वविद्यालय के सहयोग से 3 दिवसीय मेगा कार्यक्रम आयोजित होगा जिसका विषय पंच पुराण होगा, ये बात जम्मू विश्वविद्यालय के कुलपति उमेश राय ने कही, यह आयोजन 5 से 7 अप्रैल तक विश्वविद्यालय में होगा और इसका उद्घाटन एलजी मनोज सिन्हा करेंगे। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने देश भर में अपना 36वां दीक्षांत समारोह मनाया, कश्मीर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर नीलोफर खान मुख्य अतिथि थे। जम्मू में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के समर्थन में कैंडल लाइट विरोध प्रदर्शन किया, विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व राज्यसभा सदस्य और कांग्रेस की जम्मू कश्मीर प्रभारी रजनी पाटिल ने किया, रजनी पाटिल ने केंद्र सरकार पर कांग्रेस पार्टी की आवाज दबाने का आरोप लगाया। उधमपुर में कांग्रेस ने उधमपुर में राहुल गांधी के समर्थन में संकल्प सत्याग्रह आयोजित किया है और इस मौके पर कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा।
बढ़ती कीमतों और राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ राजौरी में कांग्रेस की जिला इकाई ने जोरदार प्रदर्शन किया। डोडा से 15 किलोमीटर दूर भल्ला के मुख्य बाजार में 6 दुकानों के साथ किराए के आवास के 19 कमरे आग की चपेट में आने से तबाह हो गए हैं। इस घटना में किसी के घायल होने की या हताहत होने की खबर नहीं है, जबकि नुकसान का ठीक ठीक पता अभी चल नहीं पाया है। जिला कठुआ में जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर चढ़वाल के करीब कार और ट्रक की टक्कर में अमृतसर निवासी 5 लोग जख्मी हो गए। वहीं ट्रक चालक ने बताया कि राष्ट्रीय मार्ग पर विकास कार्य के चलते सड़क तंग है, जिसके कारण कार ट्रक से टकरा गई। उधमपुर के विभिन्न हिस्सों से सेना के सैकड़ों दिग्गजों ने वन रैंक वन पेंशन योजना, विकलांगता और विधवा पेंशन के कार्यान्वयन में समानता की मांग करते हुए विरोध रैली निकाली। एक्स सर्विसमैन लीग के बैनर तले पूर्व सैनिकों ने विरोध रैली का आयोजन किया था। उप जिला नौशहरा के समस्त भूतपूर्व सैनिकों ने वन रैंक वन पेंशन को लेकर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर नौशहरा को भारत के प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर सैनिकों ने कहा कि 7वें वेतन आयोग को लेकर पेंशन में बहुत विसंगतियां हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल पर लगातार खबरों का सिलसिला जारी है।